हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रमाज लाइफस्टाइल में। मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेरी किचन क्लीनिंग रूटीन। और स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ माइक्रोवेव को क्लीन करने से। रोज़ धूल जम जाती है, इसलिए सबसे पहले मैं माइक्रोवेव को क्लीन कर लेती हूँ। और क्लीन करने के लिए मैंने स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा विम लिक्विड डाला है और वाटर ऐड किया है मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो है माइक्रोवेव क्लीन कर लिया। उसके बाद बारी आती है यहाँ साइड में जो मिक्सर रखी है उसकी। मिक्सर जो है मैं उसे अच्छे से इस तरीके से स्प्रे करके पूरा डेली क्लीन करती हूँ, रोज़ के रोज़। और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे एक चॉपिंग बोर्ड पड़ा है, उस पर मैं ये मिक्सर और ये आलू प्याज रखने वाली जो बास्केट होती है उसको रखती हूँ। जो चॉपिंग बोर्ड था वो ख़राब हो चुका था, तो मैंने उसे इस तरीके से यूज़ कर लिया है। इसके वायर को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथ, इस पर भी धूल जम जाती है, तो इसे भी अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया। और बास्केट तो क्लीन ही रहता है। अब मैं इस चॉपिंग बोर्ड को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर ली हूँ, मैंने इसे घस लिया और कपड़े से पोंछ ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने स्प्रे कर लिया, इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे किचन को धोना पसंद है, एकदम घस के टाइल्स वगैरह को अच्छी तरीके से धोना पसंद है, बट जब से मैंने ये माइक्रोवेव लिया है तब से पानी का यूज़ नहीं कर सकते हैं हम ये किचन पे, तो फिर इसीलिए फिर अच्छी तरीके से मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, स्प्रे करके पोंछ लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मिक्सर को साफ़ कर लिया, क्लीन कर लिया। अब मैं इसका जो है पिन वो लगा लूँगी स्विच में। ये बास्केट मैंने रख ली और यहाँ पे मैंने रखा है एक मनी प्लांट छोटा सा, इसका भी पानी हम चेंज कर लेंगे बॉटल का, और वहाँ पे क्लीन करके मैं इसे अपने अपने जगह पे रख दूँगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, गैस क्लीन कर लेंगे हम लोग। वैसे तो मेरा गैस ज़्यादा गंदा होता नहीं है, मेरी एक आदत है और या फिर बीमारी कह लो, जब खाना बनता रहता है तो थोड़ा भी उस पर गिर जाता है गैस पे, तो मैं जो है उसे पोंछती रहती हूँ। खाना बनता रहता है और मैं पोंछती रहती हूँ, और इसी चक्कर में कई बार मेरे हाथ पे जल चुके हैं, तो पता नहीं क्यों बस ऐसा ही है। अब मैं इस पर डाल ले रही हूँ ये सिर्फ का जो लिक्विड आता है वो, और मैं इसे घस लूँगी अच्छी तरीके से। आज थोड़ा जो है गैस गंदा हो चुका था, क्योंकि सुबह जब मैं टी और दूध गरमा रही थी, चाय बना रही थी, तब इस पर दोनों एक साथ गिर गए थे, तो दोनों इस पर थोड़ा थोड़ा गंदा हो चुका था। मैंने स्क्रबर से अच्छी तरीके से गैस को एकदम घस लिया है, चमका दिया है, और इसे मैं पोंछ ले रही हूँ। 3-4 बार मैं अच्छी तरीके से कपड़े को धो करके अगेन अगेन लेके आके इसे क्लीन कर ले रही हूँ, जो किचन टॉवल होता है उससे। क्या आप देख सकते हैं, और अब यहाँ टाइल्स पे नीचे भी थोड़ा सा चाय गिर चुका था, तो मैं उसे भी क्लीन कर ले रही हूँ। टाइल भी हमने क्लीन कर दिया, और ये एक लास्ट टाइम मैं इस क्लॉथ को वॉश करके इसे अच्छे से गैस को पोंछ ले रही हूँ। ये हमने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, क्लीन करके धो करके मैं लगा ले रही हूँ यहाँ पे। और साइड में है यहाँ मेरा प्योरेट, उसे भी मैं पोंछ ले रही हूँ अच्छे से, पोंछ लिया है मैंने। और नीचे के जो सरफेस है उसे भी क्लीन करके, टाइल्स को भी क्लीन करके, अब बारी आती है बर्तनों की। तो सबसे पहले तो बर्तनों को मैं ऐसे ही जो सादा पानी रहता है उससे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन में लगा होता है जूठा, और जूठा लगने से क्या होता है कि स्क्रबर में भी लग जाता है अगर आप क्लीन ना करें। तो सबसे पहले तो एक सादे पानी से ऐसी बर्तनों को खंगाल लेती हूँ मैं अच्छी तरीके से, ताकि जो भी जूठन है, जो भी है वो निकल जाए। ये मैंने सारे बर्तनों को एक पानी से खंगाल लिया है,
और आप देख सकते हैं सारा जो भी जूठन था वो यहाँ स्ट्रेनर में जमा हो चुका है। अब इसे हम जो है इस जूठन को डाल लेंगे डस्टबिन में, यहाँ साइड में रख ले रही हूँ, अभी मैं इसे डस्टबिन में डाल लूँगी। और यहाँ पे मैं एक बार घस ले रही हूँ वॉश बेसिन को, इसमें ऑयल लगा हुआ था तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ऑयली ऑयली सा रहता है, तो फिर मैं पहले ही एक बार घस लेती हूँ और फिर से बाद में बर्तनों को घसने के बाद में फिर से मैं एक बार घसती हूँ इसे वॉश बेसिन को। ये मैं बर्तन डाल ले रही हूँ पूरे। सबसे पहले तो जो ये कप है और कांच के प्लेट्स होते हैं, इन्हें हम अच्छी तरीके से घस के हम पहले निकाल लेंगे, क्योंकि जो बर्तन होते हैं हमारे डेली यूज़ के उसमें ये कप और ये जो कांच के प्लेट्स वगैरह होते हैं वो टूटने का खतरा रहता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए सबसे पहले मैं ये कांच के प्लेट और कप को घस के धो के निकाल ले रही हूँ। ये मैंने घस लिया और इन्हें मैं धो के सबसे पहले अलग कर लूँगी। यहाँ पे हमने क्लीन किया हुआ था पहले से, पर फिर भी एक बार मैं पानी डाल के और इस सरफेस को पोंछ ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं रख लूँगी धोए हुए मेरे कप प्लेट और बर्तन। ये मेरा रेंटेड घर है तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें लेना नहीं चाहती हूँ, कम लिमिटेड चीज़ें मैंने ले रखी है, इसलिए मैंने कोई ऐसी बास्केट या फिर कोई हैवी चीज़ नहीं ली है यहाँ पे। तो मैं यहाँ स्लैब पे ही अच्छे से धो करके बर्तन रख देती हूँ। और अब बारी आती है डेली यूटेंसिल्स की, जो बर्तन होते हैं हम डेली यूज़ करते हैं उनकी, मैं उन्हें भी अच्छी तरीके से घस करके रख लूँगी एक साइड में। What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules? And imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. And if I say it enough, it gets ingrained. और मैंने कहा था यहाँ पे जो होता है बर्तन घसने के लिए स्क्रबर, उसे साइड में रख लिया। और एक बार फिर से मैं जो है वॉश बेसिन को क्लीन कर ले रही हूँ, घस ले रही हूँ। और अब हम इसमें घसे हुए बर्तन रख लेंगे और धोने के लिए स्टार्ट करेंगे फटाफट। ये मैंने आपको जो वीडियो है वो आगे बढ़ा बढ़ा के दिखाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन गया था तो इसे मैंने कट करके अच्छी तरीके से और थोड़ा आगे बढ़ा बढ़ा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इस तरीके से मैं अच्छे से बर्तन घस लूँगी, सॉरी धो ले रही हूँ। सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब हम ये जो स्ट्रेनर है, जो कचरा मतलब इसमें फंसता है, अंदर नहीं जाता वॉश बेसिन में, इसको जो है घस लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें भी कचरा फंस जाता है, तेल वगैरह जम जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। अब हम घस लेंगे टाइल्स, हम नहीं मतलब मैं टाइल्स घस लेती हूँ रोज अच्छी तरीके से, घिस घिस के साफ कर लेती हूँ। और इसे धो लेती हूँ। तो बस ये है मेरी किचन क्लीनिंग रूटीन, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट जो भी कुछ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करना मैं पसंद करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो या फिर मेरी जो किचन क्लीनिंग रूटीन है वो। तो
मिलती हूँ मैं आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन नमस्कार। और बाय द वे, ये बर्तन यहीं पड़े हैं, इनका पानी जब निकल जाएगा तो मैं इन्हें लगा दूँगी। और हाँ, एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।